महाराष्ट्र में आखिरकार उद्धव सरकार को 30 जून को सबसे बड़े इम्तिहान से गुजरना होगा। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने विधानसभा का सत्र गुरुवार को बुलाया है। इसमें सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच फ्लोर टेस्ट होगा, जिसमें उद्धव की महाविकास अघाड़ी सरकार को बहुमत साबित करना होगा, जो फिलहाल उनके लिए मुश्किल लग रहा है। इसलिए ही शिवसेना ने साफ कर दिया है कि फ्लोर टेस्ट की मांग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का वो रुख करने वाली है। राउत ने फ्लोर टेस्ट की मांग को गैरकानूनी बताया, बोले कि विधायकों को अयोग्य ठहराने का मामला अभी पेंडिंग है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि बीजेपी और राज्यपाल मिलकर संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और न्याय की मांग करेंगे। दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाते हुए राज्यपाल ने कई अहम बातों का जिक्र किया है। साफ लिखा गया है कि इस सत्र का एकमात्र एजेंडा सरकार का शक्ति परीक्षण होगा और इसे किसी भी तरह से स्थगित नहीं किया जा सकता। राज्यपाल ने लिखा है कि महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं है। कहा गया है कि मीडिया में दिखाया जा रहा है कि शिवसेना के 39 विधायक महाविकास अघाड़ी सरकार का साथ छोड़ने की बात कह चुके हैं। दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि मंगलवार को राज्य के 7 निर्दलीय विधायकों ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी। इसमें बताया गया था कि उन्होंने उद्धव सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है और राज्य में फ्लोर टेस्ट करवाया जाना चाहिए। राज्यपाल ने यह भी बताया था कि विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस राजभवन में आकर उनसे मिले थे। उन्होंने दावा किया था कि मौजूदा सरकार बहुमत खो चुकी है, इसलिए फ्लोर टेस्ट कराया जाना चाहिए। भगत सिंह कोश्यारी ने अपनी चिट्ठी में महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में हुई हिंसा का भी जिक्र किया है। लिखा गया है कि बागी विधायकों के दफ्तर आदि पर हमला किया गया और परिवार को धमकियां दी गई। लिखा गया कि 30 जून को सुबह 11 बजे विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होगा, फिर शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट करवाया जाएगा। ये भी कहा गया कि सत्र को किसी भी कारण से स्थगित नहीं किया जा सकेगा और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। वीडियो डिस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।